सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले टोपिनेट ऑइंटमेंट्स के बारे में। टोपिनेट ऑइंटमेंट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों किस किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन अलगे और ये किस प्रकार काम करता है, इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑइंटमेंट्स को यूज़ करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, ये ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए और तवसा में एलर्जी के इलाज में दिए जाने वाले ऑइंटमेंट्स इतने यूजफुल क्यों है और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर और कॉस्मेटिक्स डॉक्टर्स को क्यों रिकमेंड करते हैं। तो टोपिनेट ऑइंटमेंट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या आप ही आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके ऊपर एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं टोपिनेट ऑइंटमेंट, जो कि हमारे पास 15 ग्राम का ट्यूब है, जिसकी एमआरपी की बात करते हैं, इसकी एमआरपी अराउंड 59 यानी कि 59 रुपये के करीब इसकी एमआरपी है। टोपिनेट ऑइंटमेंट्स को सिस्टोपिक लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है और बहुत सारे डर्मा प्रोडक्ट भी बनाती है। टोपिनेट ऑइंटमेंट्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है क्लोबिटासोल्स ऑइंटमेंट्स आईपी बोलो तो इंडियन फार्माकोपिया। टोपिनेट ऑइंटमेंट्स के अंदर जो उसके पावर ऑफ स्टेंस की बात करें तो इसके अंदर जो क्लोबिटासोल्स है वो 0.05% वेट बाय वेट इसके अंदर डाले गए हैं। टोपिनेट ऑइंटमेंट्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल स्किन एलर्जिक कंडीशन के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि तवसा में एलर्जी के स्थिति के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल डर्मेटाइटिस, एक्जिमा और एलर्जी के रोगों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह तवसा की सूजन, लालिमा, खुजली को कम करके काम करता है और आगे जलन होने से रोकता है। टोपिनेट ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल लालिमा, सूजन, खुजली और तवसा से संबंधित विभिन्न डिसीज के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसका इस्तेमाल तवसा से जुड़ी एलर्जी के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टोपिनेट ऑइंटमेंट्स को यूज़ करने का तरीका बताएं तो टोपिनेट ऑइंटमेंट्स को आप केवल अपने अफेक्टेड एरिया पे, यानी कि आपके जहाँ पे तवसा में एलर्जी, एचिंग या खुजली हुई है या फिर लालिमा टाइप हुई है उसी एरिया पे लगाएं, सब जगह इसको न लगाएं, यानी कि आपके जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है उसी एरिया पे लगाएं और इसका इस्तेमाल ट्वाइस ए डे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। टोपिनेट ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल केवल अफेक्टेड एरिया पे इसका इस्तेमाल करिए, यानी कि इसका इस्तेमाल जहाँ पे आपके इचिंग्स या खुजली या रशेस टाइप हुआ है उसी एरिया पे लगाएं, यानी कि आपके तवसा में जहाँ पे एलर्जी है उसी एरिया पे लगाएं, सब जगह इसका इस्तेमाल नहीं करें। टोपिनेट ऑइंटमेंट्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स टोपिनेट ऑइंटमेंट्स। टोपिनेट ऑइंटमेंट्स के अंदर जो दवाई रहती है, यानी कि क्लोबिटासोल्स ऑइंटमेंट्स, वो एक स्टोरेज दवाई है। ये तवसा पर लाली, सूजन और खुजली का कारण बनने वाले रासायनिक मैसेजर के उत्पादन को अवरुद्ध करके काम करता है। टोपिनेट ऑइंटमेंट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर या फिर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए, बाद में ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल करिए। अपने मन से टोपिनेट ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए। तो टोपिनेट ऑइंटमेंट्स के बारे में कुछ भी डाउट हो हमारी कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। टोपिनेट ऑइंटमेंट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज लेता है, कोई भी ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर या फिर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।